कथा का प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर एक कथा का क्या परिणाम है, उसका क्या फल है, वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। वह आप किस तरह से उस कथा का आस्वादन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आज की कथा माता पार्वती और भगवान शिव की है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, यह कुंभ का जो मेला लगता है 12 साल में एक बार आता है और उसमें लाखों व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं, और ऐसा कहते हैं कि गंगा जी यह पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं और गंगा जी में सबके पाप रह जाते हैं। इस तरह से तो गंगा जी को पापों को नष्ट करने में बहुत ही दिक्कत आती होगी और लाखों लोगों के पाप का बोझा गंगा जी कैसे उठाती होंगी। माता के इस बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो लोग पापों की गठरी लेकर आते हैं वो वापस उसे लेकर जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, ठीक है चलिए। तो शिव जी ने अपने आप को एक कोढ़ी का रूप दिया और माता पार्वती को एक कोढ़िन का रूप दिया। इस तरह से कोढ़ी और कोढ़िन बनकर दोनों त्रिवेणी की तरफ चले गए और रास्ते में बैठकर जहां लाखों यात्री स्नान कर रहे थे और आ जा रहे थे, शिव जी ने एक नारा लगाना शुरू किया कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई स्नान करके गंगा माई का ऐसा भक्त जिसके पाप गंगा जी में धुल गए हों, यदि वह आपके ऊपर अर्थात मेरे ऊपर जल छिड़क देगा तो मेरी काया कंचन हो जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे महात्मा जी ने वरदान दिया है। और महात्मा की वाणी कभी झूठी नहीं होती। उनके ऐसा कहने पर भी बहुत से लोग उनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उनके ऊपर छींटा नहीं मारा। और अंत में एक जब सूरज छिपने वाला था तब एक किसान आया और उसने कहा, पाप नाशिनी माँ हर हर गंगे, और ये कहते हुए वो पवित्र जल को निकाल करके और भगवान शिव के ऊपर छिड़क दिया। उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे सारे पाप गंगा जी में धुल गए हैं, और मेरे सारे पाप गंगा जी में धुल गए हैं इसलिए मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। और तुरंत उसने चलकर छींटा मार दिया और भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देवी जी से कि देखा, करोड़ों में कोई ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, तो विश्वास ही आखिरी मंजिल है। अगर हमें विश्वास है कि हमारा पाप धुल जाएगा तो हमारा पाप धुल जाएगा। हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं और पूजा करते जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। अगर पूछा जाए कि भगवान के आपको दर्शन देंगे तो हमें यही जवाब देंगे कि नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि भगवान किसी के सामने प्रकट हो जाए। भगवान ने आज तक केवल उन्हीं को दर्शन दिए हैं, प्रभु ने केवल उन्हीं को दर्शन दिए हैं जिनको विश्वास होता है कि मेरे समक्ष भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो परमात्मा में विश्वास करना सीखिए। परमात्मा ईश्वर विश्वास का ही नाम है, विश्वास का दूसरा रूप है। इस तरह से कथा का अंत होता है।
और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी सुसज्जित रहें।